वाघा बॉर्डर पर वहदत और हुब्बुल वतनी का शानदार मुजाहरा। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीर। रेंजर्स के शेर दिल जवानों के बूटों की धमक से दुश्मन के औसान खता। फिजा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मिली नगमों से रोबो दबदबा तारी। बच्चे और बड़े सभी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। परेड के बाद फौजी बैंड की रंगारंग परफॉर्मेंस। बैंड ने सुरीली धुनें बिखेर कर हाजरीन के दिल जीत लिए। गने घुमाने का खूबसूरत मुजाहरा। रेंजर्स की वर्दी में नन्हे फौजियों की दबंग एंट्री। तीखे अंदाज, रवायती जोश, वतन पर हर दम मिटने का अज़्म। तकरीब में मौजूद शुरका ने खूब दाद दी। खातीन अहलकारों की भी शानदार परेड। मुल्क के लिए शानदार खिदमात सर अंजाम देने का एतराफ। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस में पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर नामवर शख्सियात को सिविल अवार्ड से नवाजा गया। बाबरा शरीफ, इफ्तखार ठाकुर, अमानुल्लाह खान, बशीर अहमद, मोहम्मद इनाम भट, डॉक्टर शहबाज आलम, डॉक्टर मजहर इकबाल के लिए सिविल एजाजात। ख्वाजा मसूद अख्तर और नासिर अदीब को भी गवर्नर ने सिविल एजाजात से नवाजा। अम का नाम पाकिस्तान। योम पाकिस्तान पर लाहौर में रन फॉर पीस मैराथन रेस। मर्दो खातीन और बुजुर्ग अफराद की 10 किलोमीटर रेस में शिरकत। मर्दों में नौशेरवा आशिक, खातीन में राबिया आशिक, जबकि सीनियर सिटीजन में खालिद इकराम मलिक ने मैदान मार लिया। लॉर्ड मेयर, डिप्टी कमिश्नर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद मुश्ताक ने रेस का नजारा किया। एक कौम एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम पाकिस्तान पर पाक सरजमीन से तजदीद अहद वफा। वफाकी दारुल हुकूमत में मुसल्ला अफवाज का आलिशान परेड। पाक अफवाज के चाको चौबंद दस्तों का परेड में भरपूर कुव्वत का मुजाहरा। सलामी पेश की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। पाक फिजाइया और पाक बहरिया का शानदार फ्लाईपास्ट। JF-17 थंडर, F-16 मिराज और दिगर तैयारों की शानदार उड़ान। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की क्यादत में पाक फिजाइया और नेवी के हवाबाजों ने सलामी पेश की। सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे फिजाओं को चीरते तैयारों ने दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी कर दी। पाक फिजाइया के सरबरा की F-16 पर सलामी। चीन, सऊदी अरब और आजरबाइजान के दस्ते और हवाबाज भी शरीक हुए। झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। फजाओं में लड़ाका तैयारों की घनघरच, पाकिस्तान की पहचान। JF-17 थंडर ने जब फजा में भरी उड़ान तो हर कोई हैरान। लाजवाब बेमिसाल फजा में इंतहाई खतरनाक करतब। कोबरा और दीगर हेलीकॉप्टर्स ने भी फजाई हुक्मरानी दिखाई।
तुर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारों ने भी कमाल कर दिखाया। समंदरों के निगेबान, फजाओं के पासबान, पाक सरजमीन के मुहाफिज, बरी, बहरी और फजाया के दस्तों की शानदार परेड, पाक अफवाज की खातीन के दस्तों का जोश व जज्बा भी अरूज पर, घुड़सवार दस्तों ने भी परेड का मुजाहरा किया। सलामी का खूबसूरत अंदाज, मन जांबाज़म SSG के जवान। सीने फखर से चौड़े, वतन के लिए मर मिटने का जुनून, तकरीब SSG कमांडोज के अल्लाह हू के नारों से गूंज उठी। SSG कमांडोज की हवा में तैरते हुए कौमी परचम के साथ पैरा ट्रूपिंग, बहरीन, ब्रुनाई, श्रीलंका और सऊदी अरब के कमांडोज ने भी साथ दिया। पाकिस्तानी कमांडोज ने कौमी परचम मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद को पेश किया। सऊदीया और श्रीलंका के फौजी अफसरान ने अपने अपने मुल्क के परचम वजीर आजम इमरान खान को पेश किए। के बाद हम पाकिस्तानी फौज के जवान है, हम हर घड़ी तैयार कामरान है, हम जैसे हो हालात शादमान है। हम दुश्मन सुन ले, दिफाए वतन से नहीं हम गाफिल, पाक अफवाज वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत का भरपूर ताकत रखती है। जदीद तरीन मिसाइल नसर, बाबर, शाहीन, मैदान जंग के मजबूत हथियार, बराक, शाहपर, ड्रोन, अल खालिद और अल जरार टैंक्स, तोपखाने, रेडार सिस्टम समेत दीगर फौजी साजो सामान की भरपूर नुमाइश। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान। परेड में मुल्क की सकाफत के रंग भी नमाया, चारों सूबों की नुमाइंदगी करते खूबसूरत फ्लोट्स सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फ्लोट्स और रवायती रक्स परेड में तवज्जो का मरकज। यौम पाकिस्तान मेजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, एयर कमोडो रिजवान मलिक और सैयद सबाहत हसन की मेजार पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खाने की, पाक फिजाया और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने मुफक्कर पाकिस्तान को सलामी पेश की। फिजाया के दस्ते ने रेंजर्स से गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। जीवे जीवे पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, यौमे पाकिस्तान पर शहर भर में तकरीबात, वतन से मोहब्बत का इजहार। ग्रेटर इकबाल पार्क में यौमे पाकिस्तान की मुनासबत से शानदार तकरीब, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के दरमियान मिली नगमों का मुकाबला, तलबा ने शुरका का खूब लहू गरमाया। जेल रोड तमाल रोड पर सजावट, पाकिस्तानी सकाफत नुमाया करते फ्लोट्स लोगों की तवज्जो का मरकज, अहम इमारतें भी जगमग जगमग करने लगी। यौम पाकिस्तान पर अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में रंगारंग तकरीब, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस। यौम पाकिस्तान पर फनकारों की खदमात को भी खराज तहसीन पेश, फ्लैटिस होटल में तकरीब, फनकारों को अवार्ड से नवाजा गया।
अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ यूथ काउंसिल की धर्मपुरा गवर्नर हाउस तक यौम पाकिस्तान रैली, कैनाल रोड पर फूलों की पत्तियां निछावर करके रैली का इस्तकबाल, शुरका का दुनिया का सबसे बड़ा परचम बनाने का दावा, 400 मीटर लंबा और 20 फीट चौड़ा कौमी परचम गवर्नर हाउस में लहरा दिया। परचम की तैयारी में 3 माह लगे। इमरान खान ने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाया। हमसाये ममालिक से अच्छे ताल्लुक चाहते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गुफ्तगू। कैम्प जेल में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग और दीगर के शिरकत। परचम कुशाई की गई, जेल में मिलनी नख्मों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। कैदियों में मिठाई भी तकसीम। साबिक हुकूमत ने मुल्क को लूटा। आजादी का मकसद मुल्क और कौम की हकीकी मानों में खिदमत करना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का सुन्नत नगर में यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीएचए यासिर गलानी, तारिक सना बाजवा, अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। सब ने मिलकर केक काटा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। लीड्स स्कूल डीएचए कैंपस में यौम पाकिस्तान पर तकरीब। बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। पाकिस्तान के लिए कल भी जद्दोजहद की, आज भी कर रहे हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। एमएनए परवेज मलिक, नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। झूठे मुकदमात के जरिए पाबंदे सलासल कर दिया गया। ख्वाजा इमरान नजीर दीगर का नसीराबाद ऑफिस में यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। जिंदा दिलाने लाहौर का अनोखा अंदाज। नौजवानों ने हैवी बाइक पर शहर भर का चक्कर लगाया। डिफेंस से शुरू होने वाली बाइक रैली शाही कला पहुंचकर इख्तिताम पजीर। अदाकार मोहम्मद राना की भी शिरकत। मुगलपुरा से आजादी चौक तक अमन रैली। 200 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। फैक्ट्री एरिया में गले में डोर फिरने से 18 साल उम्र शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल किया। एसपी कैंट का पतंगबाजी के वाके का नोटिस। पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत। कोट लखपत में भी डोर फिरने से 38 साल मोहम्मद मदद हुसैन जख्मी। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में वालिद नवाज शरीफ से 2 घंटे से ज्यादा मुलाकात। नवाज शरीफ का गुर्दों का मर्ज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मरियम नवाज की गुफ्तगू। कारकुनों की बड़ी तादाद जेल के बाहर पहुंची। रुकावटें तोड़कर मरकजी गेट से जेल के अंदर जाने की कोशिश। ट्रेन को भी रोक दिया। मरियम नवाज ने कारकुनों को ट्रैक से पीछे हटने की हदायत की। और कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेरे तमाम पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस सदारत इलामा अयाज ज़हीर हाशमी ने की। मरकजी चेयरमैन सैयद अरशद अब्बास बुखारी ने मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अफराद में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए।